राज कुंद्रा की एक और बड़ी प्लानिंग का पर्दा हुआ फाश। ये बड़ी प्लानिंग कुछ बड़े स्टार्स के साथ की जा रही थी और अब तक राज कुंद्रा की जिन फिल्मों में यंग एक्ट्रेसेस, नई एक्ट्रेसेस और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस को कपड़े उतरवाने का काम करवाया जाता था, अब इसी तरह का बड़ा काम बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ अच्छा खासा पैसा देकर करने की प्लानिंग चल रही थी। इस बात का खुलासा किया है उस एक्ट्रेस ने जिसने राज कुंद्रा की कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं कि कैसे उन्हें बताया गया था कि राज कुंद्रा बहुत बड़ी वेब सीरीज ला रहे हैं, उसके लिए आपका ऑडिशन लेना है। वीडियो कॉल पर ऑडिशन लिया गया और तब उसे अचानक से कपड़े उतारने को कहा गया और उसने वहीं पर मना कर दिया। सागरिका सोना सुमन नाम की ये एक्ट्रेस है दोस्तों, जिसने अब खुलासा किया है कि राज कुंद्रा की कंपनी आगे चलकर नेहा धूपिया, अर्शी खान, सेलिना जेटली और निक्की तंबोली जैसी एक्ट्रेसेस को लेकर फिल्म बनाने जा रही थी। ये फिल्में शॉर्ट क्लिप्स के रूप में ही बननी थी और जहां तक बात है कपड़े उतारने की, इन फिल्मों में इन एक्ट्रेसेस को पूरी तरह से तो न्यूड होने को नहीं कहा जाने वाला था क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टार्स थीं। राज जानता था कि ये पूरे कपड़े तो नहीं उतारेंगी, लेकिन उसका मानना था कि ये माइक्रोकिनी और स्ट्रिंग बिकनी में तो आ ही जाएंगी। आपको बता दें कि इन दोनों ही बिकनीज में शरीर पर नाम मात्र के दो चिथड़े भर होते हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से इन एक्ट्रेसेस को न्यूट करने की ही प्लानिंग चल रही थी, तो इनको इस तरह की बिकनी में शूट करने की तैयारी की जा रही थी। इस पर प्लानिंग और बातचीत चल रही थी। सागरिका ने एक वीडियो जारी करके राज कुंद्रा की कंपनी के बारे में ये सारा खुलासा किया है। सागरिका कहती है कि उमेश कामत जो उसका ऑडिशन ले रहा था वही ये वाला काम भी देख रहा था। इसी बीच फरवरी में जब उमेश कामत की गिरफ्तारी हो गई तो ये काम वहीं पर अटक गया, वरना आगे चलकर ये एक नया काम, बड़ा काम आगे चलकर होने वाला था। हॉटशॉट उनकी जो ऐप थी उस पर जहाँ यंग एक्ट्रेसेस को न्यूड और सेमी न्यूड सीन्स करवाए जाते थे, वहीं पर इन बड़ी स्टार्स को लेकर इस तरह की बेहद रिवीलिंग बिकनीज में कुछ हॉट और सेक्सी पोजेस शूट करने की पूरी तैयारी की जा रही थी। तो ये था राज कुंद्रा का अगला प्लान, इसे तो जिंदगी भर जेल में रखकर चक्की पिसवानी चाहिए दोस्तों। आपको बता दें कि जो राज कुंद्रा बॉडीगार्ड्स और अपनी सिक्योरिटी के साथ नजर आता था, वही राज आजकल पुलिस ऑफिशियल्स के बीच सर झुकाकर चलते हुए नजर आता है और एक आम मुजरिम की तरह ही उसे बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश किया गया।